यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टुंडला से हमारे पास बड़ी खबर है, वहां भी बीजेपी की जीत हो गई है। बीजेपी के प्रेमपाल सिंह चुनाव जीत गए और डिफरेंस है 17,216 मतों का। उन्होंने सपा के महाराज सिंह को शिकस्त दी है। सपा के उम्मीदवार को वोट मिले हैं 53,784 और 17,216 वोटों से प्रेमपाल जीते हैं टुंडला सीट। नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। नितिन, ये भी अच्छा खासा फर्क है, मार्जिन अच्छा खासा है और ये ऐसी सीट थी जिस पर बीजेपी की जीत शुरू से ही पक्की मानी जा रही थी। ये मार्जिन और बड़ा भी हो सकता था। देखिए, बिल्कुल, बीजेपी ने शुरू से ही टुंडला चुनाव को बड़ी गंभीरता से लिया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री से लेके दोनों डिप्टी सीएम का दो दो बार दौरा रहा और ऐसे में विजयी प्रत्याशी हमारे साथ हैं। विधायक जी कह सकते हैं आपको बहुत बधाइयां। ऐसे में जीत भी बड़ी है, 17,000 मतों से जीते हैं, जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा कंधों पर बढ़ गई है। तो क्या आपने प्लान तैयार किया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि टुंडला में बाहरी प्रत्याशी जीतते रहे और ठगते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ बाहरी प्रत्याशी रहे होंगे मगर मैं बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं ये विधानसभा के बॉर्डर पर रहने वाला प्रत्याशी हूँ। जिस विधानसभा के जलेसर के यहाँ 46 गांव इस विधानसभा में आए, तो मैं बाहरी कहाँ से हूँ? और मैं फिर भी यहाँ का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। ये ब्रज क्षेत्र से हमारे परम आदरणीय रजनीकांत माहेश्वरी जी हैं, उनकी टीम का मैं सदस्य हूँ, तो मैं बाहरी प्रत्याशी कहाँ से हुआ? बिल्कुल, परिवारवाद से अलग होकर एसपी सिंह बघेल, उनकी बेटी को नहीं टिकट दिया, आपको दिया। जमीनी कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं क्षेत्र में। ऐसे में आपको जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। समय कब है? 2022 में इलेक्शन है। ऐसे में इस उपचुनाव के बाद क्या लगता है कि 2022 में दोबारा पार्टी आप पर ही दांव लगाए? इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी और जनता की नजरों पर भी खड़ा करना होगा। देखिए, ये तो पार्टी के निर्णय होते हैं। अभी एक छोटे से कार्यकर्ता को या प्रत्याशी बना करके विधायक बनाया है, वो समय आने वाला होगा, वो जिसको भी पार्टी देगी, मगर वो विषय अभी नहीं है। अभी विषय इस बात का है कि एक वर्ष है, यहाँ विकास होना चाहिए। यहाँ की सड़कें खराब हैं, यहाँ पर पानी की समस्या है, खारा पानी है, ठीक 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 तक मीठा पानी पहुँचे, और जो पुल निर्माण की समस्या है जो फतिया। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, देखिए विकास हुआ नहीं, जनता की नाराजगी रही, यही वजह है कि रुदम मुस्तकिल और तमाम गांव में। अच्छा ठीक है नितिन, नितिन वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के प्रत्याशी नहीं है। से जब हमारे नितिन 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 वो बधाई के पात्र है के लिए माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह। ठीक ठीक नितिन ठीक,